हम लोग दो टेस्ट लगाने वाले हैं। पहले टेस्ट में हमें लेना है कि एक टेस्ट ट्यूब, और उस टेस्ट ट्यूब में पहले कुछ 5 ml वार्म वाटर डालेंगे, मतलब गर्म पानी, ठीक है। उसके बाद में उसमें 0.1 ग्राम बोरिक एसिड डाल देंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में उसमें हम डालेंगे 5 ml मेथनॉल अल्कोहल, ठीक है। फॉर्मूला होता है C3OH, मेथाइल अल्कोहल डालने के बाद फिर उसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद में उसमें कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। इतना करने के बाद में प्रॉपर मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में फिर इसको हीट करेंगे, और जब आप हीट करेंगे तब आपको ग्रीन फ्लेम मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रीन फ्लेम। और जैसे ग्रीन फ्लेम निकलेगी तो आपका आइडेंटिफिकेशन जो बोरिक एसिड का है वो कन्फर्म हो जाएगा कि हमने जो सैंपल लिया है वो बोरिक एसिड ही है, ठीक है। दूसरा टेस्ट करना है कि आपको 3 ग्राम बोरिक एसिड लेना है और उसको 90 ml वार्म वाटर, मतलब गर्म पानी में डिसॉल्व करना है। मिक्स करने के बाद में हम लोग पीएच से टेस्ट करेंगे कि उसका जो नेचर है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो जैसे ही आप बोरिक एसिड का सॉल्यूशन पीएच पेपर पे डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारा सॉल्यूशन हो गया है एसिडिक है। अगर एसिडिक इंडिकेट होता है तो इसका मतलब जो सैंपल आपने लिया है वो क्या है? बोरिक एसिड, ठीक है। ये दो करने बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है, ये दोनों को लगाना है। जितने लोग हैं 3-3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाइए।